इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 8.4 का क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। इसमें हमसे पूछा है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा जो है वो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर हमें सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके लिए हम देखेंगे हमारे जो RHS है, ये तो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो इसमें जो हमारा RHS है उसमें क्या है, उसमें sec थीटा है और cosec थीटा है। तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा और cosec थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। यानी कि हमें cos थीटा और sin थीटा के टर्म में ये आंसर आ रहा है, तो हमें इस cos थीटा sin थीटा के टर्म इसमें लेकर आने हैं। तो अब tan थीटा को हमें sin थीटा या cos थीटा के टर्म में बदलना है, तो tan थीटा हमारा होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो अब इन्हें हमें इस रूप में तोड़ना है, तो tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, tan थीटा की जगह लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा को लिखेंगे हम cos थीटा बटे sin थीटा। प्लस से इधर का काम हमारा पूरा हो गया। अब ये काम प्लस cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा और बटे 1 माइनस tan थीटा यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो नीचे है इनके एलसीएम लेकर के इनके ऊपर नीचे सॉल्व करना है। तो ऊपर का तो हम ऐसे लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा बटे लगाया पूरा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, ये बटे लगाया पूरा। अब हमें ये सॉल्व करके यहां लिखना है और ये सॉल्व करके यहां लिखना है। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, sin थीटा बचेगा भाग एक से sin थीटा बार माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में cos थीटा है तो cos थीटा बचेगा। ऐसे यहां पर cos थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 से ये गया cos थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, जो ऊपर है उसकी मल्टीप्लाई sin थीटा। तो अब हमें क्या करना है, sin थीटा बटे cos थीटा ये भाग है, तो भाग में जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे गुणा करने से लगा के, यानी ऊपर वाला टर्म तो हम ऐसे लिखेंगे भाग से बटे से ऊपर वाला टर्म हम ऐसे लिखेंगे और फिर हम लगाएंगे गुणा। अब जो बटे के नीचे जो ऊपर वाली है वो नीचे आएगी, जो नीचे वाली है ऊपर आएगी। तो बटे के नीचे नीचे क्या है साइन थीटा, इसको हम ऊपर ले आते हैं और बटे के इस वाले बटे के नीचे जो है उसे हम ऊपर ले आएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस ऐसे यहां पर भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब क्या करना है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे का ऐसे। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसे भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लें तो हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। तो कैसे होगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर हम माइनस का कॉमन लें तो क्या बचेगा यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा, माइनस के साइन थीटा से करें माइनस साइन थीटा ये आ गया, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। चलिए ये माइनस चाहे तो आप शुरू में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने इसमें से भी कॉमन लिया, इसमें से भी कॉमन लिया, तो ऊपर क्या बचा यहां साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस
यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये हमारा माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही चलेगा, ये ऐसा कैसे लिखा, इनका एलसीएम लेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइन थीटा यानी कि साइन थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन की पावर 3 थीटा। अब माइनस लगाएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जाएगा कॉस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस की पावर 3 थीटा, और ये चल रहा है मल्टीप्लाई में। तो अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऐसे ही लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब यहाँ क्या है, ये हो गई हमारे साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। तो ये बन गई हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो इसको हम खोलेंगे, कैसे खुलेगी, ये होती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके रूप में हमें इसे खोलना है। जो साइन क्यूब थीटा है, जो साइन थीटा है हमारा ए है और कॉस थीटा वो बी है, तो ए माइनस बी करेंगे पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। तो इसको ऐसे लिखा, एक बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको भी ऐसे लिखेंगे, यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी से वन आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारा ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, तीनों टर्म हमारे मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और बटे में हमारा ये चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बटे में साइन थीटा कॉस थीटा है, यहां पर भी इसके बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई सब खत्म, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे कैंसिल देखो वन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा प्लस वन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यानी इसका फोर्थ पार्ट। तो अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं।